नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव पे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। सो बेसिकली इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पहले लिखते हैं बेसिकली है क्या। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। We write down firstly is that threshold frequency, ठीक है। तो threshold frequency को start करते हैं। तो threshold frequency basically है क्या? The threshold frequency is defined as the minimum frequency under which the photoelectric emission is not possible. समझ में नहीं आया? जैसे कि आपके पास एक minimum frequency range है, ठीक है। आपको क्या करना है? Photoelectric emission जो है उसमें पॉसिबल ना हो, रिगार्डलेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस थोड़ा लिख के देखते हैं कि है क्या। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड as a minimum frequency under which the photoelectric emission emission is not possible, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें possible नहीं है क्या? photoelectric emission, ठीक है। तो हम लिखते हैं possible. So regardless of the incident radiation, regardless of the incident radiation intensity, that is equals to the E is equals to the H into F naught, where F naught is the threshold frequency, that is threshold frequency, ठीक है, frequency, okay, where H is the Planck constant, H क्या है हमारा? Planck constant है, Planck, ठीक है, constant, और हमारे पास E क्या है? Incident energy. इंसिडेंट एनर्जी। तो हमने समझ लिया कि बेसिकली है क्या फॉर्मूला हमारे पास, ई इज इक्वल टू दी एच इंटू एफ नॉट, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वी राइट डाउन इज हियर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेसिकली है क्या? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू दी एफ नॉट इज इक्वल टू दी सी अपॉन लैम्डा नॉट, वेयर इज लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है हमारी। सी क्या है? लाइट ऑफ द स्पीड। एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम छोटी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ
ऑफ ई एम रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस सरफेस ऑफ द टेंजेंट मेटल ऑफ द टेंजेंट राइट डाउन हो गया टेंजेंट मेटल। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।